दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुराग श्रीवास्तव। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कॉल किया था कि सर, सैटरडे को आप कार्बी पे अपडेट देते हो, लेकिन रहा सवाल कार्बी पे, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, कुछ लेटेस्ट नहीं था। मैंने सोचा कि बार बार वही चीज़ें बोलने से फिर आप लोगों को ये लगेगा कि कहीं ये यूट्यूब पर सिर्फ व्यूवर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, इसी वजह से पुरानी न्यूज़ को ही सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से पिछले सैटरडे को मैंने अपडेट नहीं किया था, लेकिन आज जो डेट है 10 फरवरी है, और 10 फरवरी आज, कल के डेट में मेरे पास बहुत फ़ोन आया 9 तारीख के डेट में कि सर, कार्बी क्या सब कुछ, कार्बी के एसेट बिक रहे हैं। सेबी ने बोला है कि कार्बी के सारे एसेट बेच दिए जाएंगे और वो जो पैसा होगा वो फिर निवेशकों को दिया जाएगा। तो कई लोगों को मैंने कहा कि सर, अभी चीज़ें आई हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपने जैसा थंबनेल में देखा कि क्या थी एक कार्बी, ऐसा कुछ होने वाला ही है और बिल्कुल निवेशकों के लिए बहुत सारी चीज़ें हिला देने वाली है। तो कहीं से भी स्किप मत करिएगा, सारी चीज़ें सुनते जाइएगा। और मेरे चैनल पर भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आपको कार्बी पे बहुत सारे टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपको ईजी होगा फिर कार्बी से पैसे लेना, कार्बी से स्टॉक लेना, और आपका जो IVF क्लेम करने के लिए बहुत सारा ईजी होगा। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई दी है, तो आप पीछे भी 5-7 वीडियो सुन सकते हैं। और जो लोग मुझे 1 साल से फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी हेल्प उनको मिली होगी। तो फिलहाल आगे चलते हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। फिलहाल लेटेस्ट जो अपडेट है उस चीज़ को आप समझिए कि मेरे पास कल बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, मैंने बहुत सारे लोगों को रिसीव भी नहीं किए। मैं समझ रहा था कि यही मेन टॉपिक था। तो कार्बी एसेट, जो कार्बी की जो चीज़ें थी क्या बिक रही है, वो भी आप समझिए। सेबी ने ये दिया है, एक जो उनका मैसेज आया हुआ है सेबी की तरफ से, कि भाई कार्बी के जितने डीमेट अकाउंट हैं, समझिएगा, जैसे हमारा आपका कार्बी में डीमेट अकाउंट था, आपको एक मैसेज आया होगा ईमेल के द्वारा कि आप अपने स्टॉक ट्रांसफ़र करा लो, या चाहे आप अपने पैसे ले लो, क्योंकि आपका अधिक ट्रांसफ़र नहीं कराओगे तो फिर आपका ब्रोकरेज हाउस बदल दिया जाएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, आप बहुत सारे लोगों के पास मेल आएगा, आया हुआ होगा कि भाई आपका फिर दूसरे ब्रोकरेज हाउस में चला जाएगा। तो ये चीज़ को आप समझिएगा, थोड़ा सा क्लियरिटी। सेबी क्या कह रही है कि भाई देखिए, कार्बी डिफाल्टर थी, कार्बी को डिफाल्टर घोषित किया, कार्बी को टर्मिनेट कर दिया गया। CDSL ने भी उनको टाइम अवधि उनकी 12 दिसंबर थी ख़त्म हो गई। NSDL ने अभी टाइम दिया हुआ, वो भी ख़त्म हो जाएगी 28 फरवरी तक। तो सारी चीज़ें सेबी सर्कुलेट करती है। तो जितना डीमैट अकाउंट हमारा आपका है वो सब सेबी के अंडर ही आता है, चाहे NSDL में हो चाहे CDSL में हो। कार्बी एक प्लेटफॉर्म था। तो ये जो न्यूज़ है मेन, उस चीज़ को समझिए। सेबी कह रही है कि जितने भी डीमैट अकाउंट हैं ये सारे हमारे हैं और हम इसकी बोली लगा रहे हैं, कोई भी ब्रोकरेज हाउस आके ले सकता है। एग्जांपल लीजिए, जैसे कि अभी हमारा कार्बी में था, अब 28 फरवरी तक यदि हम अपना स्टॉक कार्बी से ट्रांसफ़र नहीं करा रहे हैं, एग्जाम्पल लीजिए जैसे कि आपका CDSL में है डीमैट अकाउंट, अभी तो कार्बी में था, लेकिन अब कार्बी में आपको नहीं वहाँ पर ट्रांसफ़र कराना होगा, आप CDSL को आपको भेजना पड़ेगा। कई चीज़ें मैंने बता रखा है कि आप CDSL से कैसे अपने स्टॉक ट्रांसफ़र कराना, नया डीमैट अकाउंट खुलवा के, लेकिन आप कहीं नया डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाते हैं और आपका अकाउंट वही का वही कार्बी में ही रह रहा है और वो CDSL में है, चाहे आपका NSDL में है, आपने कार्बी में छोड़ रखे हैं, आपके शेयर कुछ डीमैट में है, कुछ पूल में वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, 28 फरवरी तक आप कुछ नहीं करेंगे, तो अभी ये क्या करेंगे, सेबी की तरफ से एक बोली लगाई जाएगी कि कार्बी में एग्जाम्पल लीजिए कि 1 लाख डीमैट अकाउंट है, तो ये से बोली लगाएंगे और बोली के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस सामने आ जाएंगे, जैसे मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, बहुत सारे जो भी हैं आप जिनको जानते हो वो आ जाएंगे। तो सेबी बोली लगाएगी कि एक अकाउंट के पीछे भाई 200 रुपये हमें चाहिए या चाहे 100 रुपये, वो निकालेगी, सबसे टेंडर मांगेगी, तो जो उसमें बोली ज़्यादा अच्छी लगाएगा। तो ये सारे डीमैट अकाउंट जितने भी 1 लाख है, सब एग्जाम्पल लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल ने पैसा लगाया और अच्छा पैसा दिया, पेमेंट किया, और उसके बाद जो है सारे जितने भी डीमैट अकाउंट हैं सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मोतीलाल के पास चले जाएंगे और एक एग्रीमेंट के तहत सेबी साइन इन कराएगी कि फिर दोबारा इन फ्यूचर कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट साइन करा के फिर 28 फरवरी के बाद हमारे आपके सारे स्टॉक कार्बी सूटेंगे, निकल जाएंगे मोतीलाल ओसवाल में। तो वहाँ फिर आप जाओगे, आपके नियरेस्ट जो भी मोतीलाल ओसवाल होगा आपको मिल जाएगा, ईमेल के द्वारा भी आ जाएगा कि आपका अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वहाँ जाके आप सारी चीज़ों को अपडेट कर लीजिए। तो फिलहाल ये सब चीज़ें होने वाली, यही आपका देखिए बिकने वाला। तो वाकई एक तरीके से देखा जाए तो किसी के कपड़े उतार के बेच दो तो उस पर उसकी इज्जत ही खत्म हो गई। तो कार्बी का जो मेन था उसके डीमैट अकाउंट था, और वो डीमैट अकाउंट ही यदि बिक जाएगी तो फिर कार्बी तो ऐसे भी, समझ रहे हैं आप,
आगे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कार्बी के बहुत सारे एसेट हैं, कार्बी कभी वो एसेट नहीं बिक रहे हैं। कार्बी एसेट उनका करोड़ों रुपए में है, हजारों करोड़ में उनके एसेट आते हैं बहुत सारे। तो अभी डीमेट अकाउंट उनका जो मेन जिससे इनकम ऑफ सोर्स था, वो डीमेट अकाउंट सारे उठा के सेबी उसको जो है टेंडर के जरिए बेचेगी, जो ब्रोकरेज हाउस बोली लगाएगा अच्छी वो ले लेगा। ये मेन पॉइंट था, इस चीज़ को आप समझिएगा। कार्बी नहीं बिक रही कार्बी के, लेकिन कार्बी खत्म हो रही, इस चीज़ को आप समझिएगा। अब आपका रहा सवाल, 28 फरवरी तक का टाइम है, आप अपना स्टॉक जो डीमेट में है चाहे पूल है, तो डीमेट में यदि आपका स्टॉक तो सीडीएसएल से आप ट्रांसफर करा लीजिए, यदि सीडीएसएल में है तो, यदि एनएसडीएल में है तो कार्बी से भी ट्रांसफर आप करा सकते हैं। ट्रांसफर कराने के लिए मैंने कई बार वीडियो बनाया, फिर भी जब आप कमेंट में आके करते हो तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो। पिछली कई वीडियो उठा के आप देख सकते हैं मेरी, कि सीडीएसएल से कैसे आपको स्टॉक लेना है, एनएसडीएल से कैसे आपको स्टॉक लेना है, पिछली 5-7 वीडियो मैंने थोड़ी थोड़ी जिक्र किया और बहुत सारी चीज़ें पूरा डिटेल में मैंने बता रखी, इसलिए मैं इस वीडियो में फिर उस पर बात नहीं करूँगा, कुछ और चीज़ों पर फिर बात में करने जा रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि कैसे ट्रांसफ़र करना तो कमेंट फिर लिखिए, मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि कैसे ट्रांसफ़र करना है। ये मेन थी जो न्यूज़ थी कल की वजह से, जो बहुत सारे लोग हलचल मची हुई थी, तो यही है। अब रहा सवाल कार्बी से, मेरी अभी बात हुई है फिलहाल आज के ही डेट में जो 10 फरवरी, तो उन्होंने बोला कि सर 28 फरवरी तक हम सारे लोगों के स्टॉक जो पुल में उसको डीमैट में डाल देंगे, हम पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 28 फरवरी लास्ट मेरी तरफ से भी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और 28 फरवरी तक यदि ये कर देते हैं तो सो बेटर है, नहीं तो फिर आगे बहुत सारी क्रिटिकल हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि स्टॉक आपके फिर वहाँ पे चले जाएंगे, दूसरा ब्रोकरेज हाउस में 28 फरवरी को चला जाएगा। 28 फरवरी से पहले कोशिश ये कर लीजिए कि जो स्टॉक आपका डीमैट में है, अभी एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो 100% में 80% स्टॉक यदि आपका डीमैट में है तो उसको ट्रांसफ़र करा लीजिए, सीडीएसएल में है तो सीडीएसएल में ट्रांसफ़र करा लीजिए, कुछ पेपर लगते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है डिटेल। एनएसडीएल में है तो एनएसडीएल वाला भी ट्रांसफ़र करा लीजिए, एनएसडीएल को भेज के, चाहे कार्पी में भी भेज के आप डॉक्यूमेंट आप ट्रांसफ़र करा लीजिए। 28 फरवरी तक इन्होंने बोला है कि हम दे देंगे, फिलहाल आप दे दें तो बहुत बेहतर है, और थोड़ी बहुत उम्मीद 28 फरवरी तक मुझे दिखती है, उसके बाद उम्मीद नहीं दिखती है। तो ये लेटेस्ट अपडेट रहा है, और फिलहाल आगे भी जो अपडेट जल्दी आएगा उसको मैं आपको दूंगा। अब उसमें भी आपके क्या क्वेश्चन है कि भाई, वो आप कमेंट करो, मैं फिर उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो यही लेटेस्ट अपडेट था, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। साथ में यदि आप चाहते हैं कि लगातार आपको अपडेट मिलती रहे, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक पे भी मैं आपको दे रहा हूँ, पैने स्टॉक हैं, और सब चीज़ों को आप देखते जाइए, साथ एक दूसरे का बने रहे तो बहुत बेहतर है। मुझे भी आप सपोर्ट करिए और मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जब मैं स्टॉक पे डालता हूं तो बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपका, मैं तो साथ दे रहा हूं लेकिन आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।